एलपीजी गैस सिलेंडर बहुत दाम बढ़ रहे हैं ना इसके, ऊपर से गैस की चोरी भी मुसीबत बनी हुई है। क्या करें, कैसे इस चोरी से बचें? चले तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए विकल्प लेकर आ रही है। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आप हैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आने वाले कुछ दिनों में आपके घर पहुँचने वाला एलपीजी सिलेंडर पर भी क्यूआर कोड लगा होगा। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर क्यूआर कोड लगाने का फैसला इसलिए कर रही है ताकि आपके घर सिलेंडर पहुंचाने की प्रक्रिया के दौरान वेंडर्स उससे गैस ना निकाल सके। देश में लगभग 30 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जबकि गैस सिलेंडरों की संख्या 70 करोड़ है। इनमें सबसे अधिक ग्राहक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है। देश में जैसे जैसे गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सिलेंडरों से अवैध तरीके से गैस निकालने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिलेंडरों को क्यूआर कोड युक्त करने का फैसला लिया है। क्यूआर कोड युक्त सिलेंडर होने से उपभोक्ताओं को गैस की चोरी होने की स्थिति में मदद मिलेगी। दरअसल क्यूआर कोड की मदद से उनके सिलेंडर को ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे सिलेंडर वितरण की प्रक्रिया के दौरान गैस चोरी करने वालों की पहचान हो सकेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सरकार सभी एलपीजी गैस सिलेंडर को क्यूआर कोड से लैस करने जा रही है। ऐसा होने से गैस सिलेंडरों की ट्रैकिंग आसान होगी और गैस चोरी करने वालों को पकड़ा जा सकेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्यूआर कोड बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जैसे एक मनुष्य के लिए आधार कार्ड काम करता है। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में क्यूआर कोड से लैस हर सिलेंडर की अपनी एक पहचान होगी। विश्व एलपीजी सप्ताह 2022 के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 3 महीनों में सभी एलपीजी गैस सिलेंडरों पर क्यूआर कोड लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फरवरी 2023 से आपके घर पर क्यूआर कोड से लैस सिलेंडर पहुँचेगा। उसके बाद अगर आपके सिलेंडर में गैस की चोरी की शिकायत आती है तो क्यूआर कोड होने से अवैध तरीके से सिलेंडर से गैस निकालने वाले की पहचान हो सकेगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।